जय हिंद आला फिर माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में वो फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी एंड जीडी फेज टू में पूछे जाएंगे। ओके माइडी, तो बहुत ही अच्छे से आप लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेंगे। बाकी जिन स्टूडेंटों ने यदि हमारा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो माय डियर आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ओके माइडियर, और यदि आपने इंडियन कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच का अभी तक न्यू सिलेबस नहीं देखा है, न्यू अपडेट नहीं देखे, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं, बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट लगातार बना रखी है, तो वहाँ ढेर सारे लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आपको सीरीज के हिसाब से वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक आपको वहाँ पे सीरीज मिल जाएगी बनी हुई सभी क्वेश्चनों को, तो आप क्रम से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। ओके, आइए बात करते हैं। देखिए मैडम, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास स्क्रीन पर है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। माइंड कीजिए, जैसे माइंड हमारे जैसे ताल होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं तालाब, है ना, जैसे हम कहते हैं पूल, जो पूल होते हैं वो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका रीजन क्या होता है। माइंड देखिए, आपने देखा होगा कि पानी जो होता ना, कि आप कहते हैं बिल्कुल क्लियर, जो क्लीन वाटर होता है वहाँ पर आप देखिएगा जाके, है ना, गंगा में देखिएगा तो आपको ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा ना कि बिल्कुल रेत ऊपर ही हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है ना। आपको क्यों प्रतीत होता है माइड डियर, ये प्रतीत होता है आपको रिफ्रैक्शन के कारण, जैसे हम कहते हैं अपवर्तन के कारण, किसी कारण अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो माइड डियर, और एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये हमारा एक पानी है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ सिक्का पड़ा हुआ है, मतलब रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप पानी में ऊपर से जब देखें तो सिक्का आपको बहुत उभरा हुआ, ऊपर की ओर उभरा हुआ नजर आएगा, ये भी हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई, जो स्काई वो कैसा दिखाई देगा, है ना माय डियर, तो वो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा ब्लैक, कैसा ब्लैक दिखाई देगा, ना कि ब्लू, ठीक है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की बात कर रहा है, तो अंतरिक्ष में ब्लैक मतलब काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अभिन्नुकता का दोष, अभिन्नुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का यूज किया जाता है। हमारे अभिन्नुकता का जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हमारा स्क्रीन पे है, और फोर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है। हमारे सबसे, जैसे मैं आपको बता दूँ कि प्रिज्म है, ये है ना, प्रिज्म के बारे में पढ़ाऊँगा डिटेल में। और जैसे ये कोई लाइट रे डाली है, जैसे कहते हैं व्हाइट लाइट रे, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जाती है और एक इस तरह से, ठीक है। तो ये और ये, तो ये होती है हमारी बैगनी, और ये होती है हमारी कौन सी, रेड। तो माय डियर स्टूडेंट, जो बैगनी होती है वो सबसे अधिक अपवर्तित होती है, ठीक है, क्योंकि बीच में पाँच होती, ऊपर रेड होती, नीचे वायलेट होती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव स्क्रीन पे है, तो फाइव कह रहा है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। माय डियर, इसका जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनों के फलस्वरूप ही इसका जो है स्थानांतरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण मतलब जो सिंबल है ना, सुपर कंडक्टिंग का जो आपका जो सैंपतम है माइडिया, वो क्या है, जो सिंबल है वो क्या है, है ना, इसको कहते हैं माइडिया, समझने का प्रयास करना, अतिचालक का जो लक्षण है वो क्या है, तो इसका जो सिम्टम्स है वो क्या है, तो इसका जो सिम्टम्स है माइडिया वो है उच्च परागम्यता। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाँ सेवन क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि शुष्क सेल है इज ड्राई सेल, ड्राई सेल क्या होता है माय डियर। देखिए ड्राई सेल हमारा एक प्राइमरी सेल होता है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल, क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, वो सॉरी ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एट कह रहा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, है ना, तड़ित चालक, चालक का मतलब कंडक्टर, ठीक है, का आविष्कार किसने किया माय डियर। देखिए तड़ित चालक का जो आविष्कार किया, ये किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जिसने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जिन्होंने डिफाइन किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए विद्युत को उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम हमारी एक धातु है, इसका उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 10 स्क्रीन पे है। तो 10 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मतलब जो मैकेनिकल सॉरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है वो क्या है, डिवाइस क्या है हमारी, ये हमारा है इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि किसी मनुष्य के शरीर का ताप मतलब सामान्य तापक्रम होता है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है ये हमारा होता है 98 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे है और 12 क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, माय डियर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है कंडक्टर। ठीक है, ऊष्मा का देखिए सबसे अच्छा जो चालक है ये हमारा होता है चांदी, क्या होता है जिसे हम कहते हैं सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है सबसे अच्छा इसका जो है चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक है। देखिए मैंने हीट कैपेसिटी जो है वो किसके मैग्नम, देखिए एक आपका है बेंजीन C6H6, एक है आपका जल H2O, एक सोड का टुकड़ा लोहे का टुकड़ा। देखिए माय डियर इन चारों की कंपेयरिंग में बात करें तो सबसे मैक्सिमम जो हीट कैपेसिटी होती है वो वाटर की होती है, किसकी होती है वाटर की, जल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, अधिक ज्वालक माइडिय, तो सिंपल था क्वेश्चन है भाई, स्ट्रीम के द्वारा होता है जिसे हम कहते हैं भाप, है ना, भाप के द्वारा बहुत ज़्यादा जल ज्वालक का मतलब जलन जिसे हम कहते हैं ना, भाप किसी स्थान पर लग जाए बहुत वहाँ पर जलन होती है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम, मतलब भाप के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 स्क्रीन पे, तो 15 करा के निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है माय डियर, तो ये विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है ये हमारा किस में होता है, ये हमारा होता है वाटर में, किस में होता है ये भी हमारा जल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 करा कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सा रिपीट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हमारा सिल्वर है, ठीक है जिसे हम कहते हैं चांदी। ठीक है माय डियर, हाँ ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संप्रेषण क्या कहलाता है, है ना, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है, ये कहलाता है संवहन, क्या कहलाता है संवहन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर स्क्रीन पे आया है, तो 18 कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा कंडक्टर है, जैसे ईथर है, क्या है ईथर, बेंजीन है ना, पारा है, मतलब इसको मरकरी कहते हैं। ठीक है, एक हमारा वाटर मतलब H2O है ना, जिस्ट आपको दिए हुए हैं, तो माय डियर माइंड करना यहाँ पर, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होगा माय डियर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा क्या, ये हमारा होगा पारा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा स्क्रीन पर आया है और 19 कह रहा है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तनों को कहते हैं, जो ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि बर्फ है हमारा, है ना, जो बर्फ है वो लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो कहने का मतलब है अवस्था परिवर्तित, तो उसको क्या कहते हैं माय डियर, इसको कहते हैं क्या, गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, है ना, जिसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं माय डियर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के लेक्चर के 20 क्वेश्चन माय डियर, इसी तरह से आपको डे बाई डे हम टॉप 20 क्वेश्चन लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे, बाकी मैथ फिजिक्स का डे बाई डे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा है, रीजनिंग का लगातार लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ मैं, ओके माय डियर, तो अच्छे से मेहनत करो, बाकी मिलते हैं हम लोग न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।